हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीव आर्ट गैलरी। संजीव आर्ट गैलरी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप स्वास्तिक से आपको शिव जी और माँ पार्वती जी का साथ में ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। सो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे साथ आप भी बनाइए। सो सबसे पहले स्वास्तिक बना लिए गाइस, उसके बाद यहां से इसको साड़ी बना लेंगे गाइज, और इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे और इसको डबल कर लेंगे। अब नीचे की तरफ उसी प्रकार यहां से उसमें मिलाना है और इसको डबल करना है, और इसमें सिलवटे वगैरह बना लेनी है साड़ी में, और यहां से उनका आशीर्वाद देते हुए माँ पार्वती जी का हाथ, देखिए कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं माँ पार्वती जी। और हमारे वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और अगले फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी माँ पार्वती और भोलेनाथ शिव जी का आशीर्वाद मिल जाए। और यहाँ से उनका भोलेनाथ जी का हाथ आशीर्वाद देते हुए देखिए गाइस, कैसे भोलेनाथ जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ऐसे ही आशीर्वाद दें, ताकि आप लोग भी अच्छे ड्राइंग क्रिएट कर पाएँ। और इस प्रकार से हाथ बन गई, और यहाँ से डबल करके कुछ कमर में, और यहाँ से कपड़े शिव जी का, और ये बाघ के छाल, हिरण के छाल पहने हुए रहते हैं भगवान शिव जी, एक साइड शिव जी और दूसरे साइड माँ पार्वती जी का ड्राइंग। बहुत ही खास होने वाला है वीडियो। सो गाइज, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, और कपड़ा में सिलवटे और इसमें कुछ चीते चीते, जैसा कि शिव जी के ड्रेस में होते हैं, और उसी प्रकार यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ से माँ पार्वती जी की ड्रेस बन रहा है गाइस, साइड से। और यहाँ उनका सिक्स पैक भगवान शिव जी का, और यहाँ से उनका माँ पार्वती का जी का ड्रेस, देखिए इस प्रकार से नीचे लानी है। और यहाँ से उनका कमर पट्टा, और उसमें कमर पट्टा यहाँ से दे दिए, और इसको डबल कर लेंगे गाइस। और डबल करके इसमें कुछ गहने वगैरह दिखानी है हमको, तो इसमें गहने दे देंगे। और यह डिजाइन इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे और इसको डबल कर लेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे, और ट्रायंगल जैसा शेप बन गया यहाँ से। और इसमें कुछ डिजाइंस, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं गाइस तो आप स्केच से नहीं पेंसिल से बनाइए, क्योंकि और इसमें कुछ सिलवटे वगैरह, क्योंकि मेहनत सबसे पहले दो तीन बार जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक स्केच से नहीं बनाइएगा गाइस। फिलहाल में मेरा प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं एक स्केच से आपको बता रहा हूँ। वहाँ यहाँ से हाथ, और यहाँ से उनका हाथ भी बन गया। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, संजीव आर्ट गैलरी। और ऐसे ही
संजीव आर्ट आपके लिए नए नए वीडियोस टिप्स लाते रहेंगे, और यहाँ से उनका गर्दन बन गया, वहाँ से सर बनेगा, यहाँ से पार्वती जी का गर्दन और इनका सर। और जब फेस बनाएंगे तो वहाँ थोड़ा सतर्क होकर अच्छे से क्रिएट करेंगे, क्योंकि फेस गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। और इनके फेस भी, और यहाँ से मुकुट बना लेंगे, और इसमें कुछ डिजाइंस देनी है, मुकुट बना लिए और इसको डबल कर लेंगे, और डबल करके उसमें कुछ डिजाइंस देनी है और गहने वगैरह मुकुट में। जल्द ही आप लोगों को भोलेनाथ जी और माँ पार्वती जी आप लोगों को पूरी तरह से आशीर्वाद दे देंगे। सो हमारे वीडियो देखते रहिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सो हमारे आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ से भोलेनाथ जी का एक दूसरा हाथ, जो कि यहाँ से तिरछुल पकड़े हुए हैं भोलेनाथ जी, यह देखिए यहाँ से त्रिशूल कितना आसानी से बन गया। और ये ऊपर वाला नुकीला भाग, यहाँ पे डमरू, क्योंकि भोलेनाथ जी का त्रिशूल में डमरू लगे हुए होते हैं गाइस, और भोलेनाथ जी डमरू भी बजाते हैं जब नटराज के रूप में आते हैं तो। और यहाँ से शंकर जी का सर बनेगा, और इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान पूर्वक बनाइएगा और एक दो बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से उनका टीका, और यहाँ से उनका जटा देखिए, और जटा ऊपर से गंगा जी पानी, और यहाँ से नाग देवता, जो कि भोलेनाथ जी के गले में हमेशा लिपटे हुए रहते हैं। और ये किस तरह से दम फन फैलाए हुए हैं नाग देवता। और यहाँ से उनका बाल, अब यहाँ से पैर बना लेंगे गाइज, और
इनका पैर में कुछ मसल्स वगैरह दिखाना है, और ये पैर में, और ये दूसरा वाला पैर यहाँ से। तो एक साइड हमारा पार्वती जी बन है और दूसरा साइड शंकर जी, यानी दोनों साथ में। और महाशिवरात्रि का भी त्यौहार आ रहा है गाइस, जो कि 1 तारीख को है। और इस प्रकार यहाँ से बाल इनका कलर कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से, और यहाँ से गहने, गले में माला, और इसको डबल कर लेंगे गाइस, और इसमें कुछ डिजाइन्स दे देंगे, और ये माला बन गया। सो यहाँ बाल कलर कर लेंगे। अब शंकर जी का जटा कलर कर लेंगे गाइस। हर हर महादेव। यहाँ से जटा इनका कलर हो गया। और आपका ड्राइंग टीचर संजीव आर्ट आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। और हमारे आर्ट गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये उनका माला, रुद्राक्ष वगैरह, और ज़्यादा नहीं देना है गाइस, क्योंकि हमारा ड्राइंग ख़राब हो जाता है इसे ज़्यादा देने से। और इसको कलर कर लेंगे अब। सो चलिए कलर करते हैं इसको, येलो और रेड कलर से इसको, और पूरे गहने को येलो कलर, और मुकुट में, और इनका साड़ी, फिलहाल में हम आइडिया कुछ कलर करने का दे रहे हैं। सो जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव।